तो हेलो गाइस आप सबका सब स्वागत है एक नई वीडियो में तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारे पास 115 केमिकल एलिमेंट्स हैं ठीक है क्या प्रेजेंट में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इन एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स ठीक है अब एलिमेंट्स भी जो होते हैं कुछ मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो हम पढ़ता आ रहे हैं अब मेलिएबल मीन्स ये मेटालिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ठीक है मेलेबल मीन्स विच कैन बी बीटन इन विद अ हैमर जिसको हम हैमर से पीट के पतली शीट्स बना सकते हैं ठीक है थीके? बिना टूटे हुए डकटाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच जिसको हम स्ट्रेच करके पतली पतली वायर्स बना सकते हैं ये किससे हो सकते हैं मेटल से हो सकते हैं ना एंड ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इन टू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग जब हम हैमर करते हैं स्ट्रेच करते हैं तो ब्रिटल मतलब कमज़ोर कौन होता है मेटल नहीं होता है नॉन मेटल होता है ठीक है तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देते हैं जैसे अगर आप मेटल को एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरे साइड से भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है जैसे आप कोई भी चीज़ पकाने के लिए रखते हो तो उस वेसल का उस यूटेंसिल का जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है अपना आप है ना जबकि आप हैंडल को तो गर्म नहीं करें ना तो मेटल्स और हीट जो मेटल्स जो होते हैं खुद से हीट और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी खुद से पास होने देते हैं मेटल जो होते हैं मेलेबल और डक्टाइल भी होता है अभी हमने डिस्कस करा ठीक है मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं लस्टर्स कहते हैं ठीक है हार्ड होते हैं स्ट्रॉग होते हैं भारी होते हैं सुनर उस मतलब एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड जब अपना हिट करोगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ये रहे अपने मेटल्स के एग्ज़ाम्पल आयरन हो गया दीज नेल्स ये किससे बनाए आयरन मेटल से बनता है ये ये जो पाइप्स होते हैं कॉपर मेटल से बनते हैं ये जो कप है सिल्वर मेटल से बना है ये बैगल्स गोल्ड मेटल से बने तो ये अलग अलग मेटल्स के एग्जाम्पल है ठीक है अब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये क्या है ऑल द मेटल्स आर सॉलिड सारे सारे मेटल्स जो होता है वो सॉलिड होता है एक्सेप्ट मोकरी मकरी को छोड़ के ठीक है मौकरी क्या एक लिक्विड मेटल है अब डरिंग केमिकल रिएक्शन जब केमिकल तो, रिएक्शन होता है मेटल पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर देता है क्योंकि वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, है हमने डिस्कस कर रखा है मेटल्स आर द एलिमेंट्स मेटल्स वो एलिमेंट्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है लेकिन वो एक नॉन मेटल है ठीक है तो मेटल्स वो आइन्स जो पॉजिटिव आयस फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है मतलब दूसरे नॉन मेटल्स को जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं जैसे एलूमिनियम हो गया एक मेटल है जो पॉजिटिवली चार्ज एलोमिनियम आयन बनाता है पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि क्या करता है अपने तीन इलेक्ट्रॉन दे देता है लूज़ कर देता है मेटल्स को हम क्या कहते है? है हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आइंस इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर देते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके ठीक है द कुकिंग यूटेंसिल्स कुकिंग यूटेंसिल्स बोलो इलेक्ट्रिक फैंस बोलो स्विंग मशीन बोलो कार्स बोलो बसेस बोलो ट्रक्स ट्रेन शिप्स एयरप्लेन्स ये सब किससे बने मेटल्स हैं उनके मिक्सचर्स से अब मेटल्स के मिक्सचर्स को क्या कहते हैं एलॉय कहा जाता है ठीक है जो मोस्ट अबंडेंट बोले जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है अर्थ की क्रस्ट में अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है एलूमिनियम जो सेवन परसेंट है अर्थ की क्रस्ट में ठीक है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्या है आयरन है जो कितना 4 है फोर परसेंट है मेजर मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबेंडेंस क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा एलुमिनियम है फिर आयरन है फिर कैल्शियम फिर सोडियम फिर पोटाशियम फिर मैग्नीशियम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये है, और सबसे कम ये है ठीक है आप ए आई सी एस पी एम इससे भी इस शॉर्ट फॉर्म से भी आप इसे याद रख सकते हैं ठीक है फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स की नॉन मेटल्स आर द elements. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स है दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास नहीं होने देते और ना तो मेलेबल होता है मतलब ना तो आप इनसे शीट्स बना सकते हैं ना तो आप इनसे वायर बना सकते हैं ये ब्रिटल होता है मतलब हार्ड नहीं होते हैं आसानी से जब आप इन्हें ठोकोगे या पीटोगे तो वो टूट जाएंगे ठीक है नॉन मेटल्स क्या होता है लस्टर्स होते हैं मतलब शाइनी नहीं होते द हैव डल अपेयरेंस उनकी अपेयरेंस डल होती है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होता है स्ट्रॉग भी नहीं होता है देर आर लाइट सब्सटेंस हल्के सब्सटेंस होते हैं और ड्रिंकिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ये दिए हुए कार्बन सल्फर फॉस्फोरस सिलकन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये सब ये सब किसके एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है ठीक है डायमंड्रेफाइड भी क्या होता है नॉन मेटल्स बाईस नॉन मेटालिक एलिमेंट है, है जिनमें से दस नॉन मेटल सॉलिड है एक नॉन मेटल ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और ग्यारह नॉन मेटल्स गैसेज हैं ठीक है थीके? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है ठीक है नॉन मेटल सादा एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस से नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है गेनिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटल से ऑक्सीजन इज एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो ओ टू नेगेटिव बना देता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ले लेता कर है ठीक है इसलिए हम नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयंस क्योंकि नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसने है ना दो नॉन मेटल आर स्मॉल इन नंबर छोटे होते हैं कम है एज कंपेयर टू मेटल लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में ठीक है इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती ठीक है जैसे कार्बन हो गया मोस्ट ऑफ द नॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है क्योंकि लाइफ जो है हमारी बॉडी में भी है कार्बन एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रोटीन फैट्स वगैरह है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है और ये सब हमारे बॉडी बॉडी के वाइटल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स बोल लो फैट्स बोल लो कार्बोहाइड्रेट्स बोल लो वाइटमिन बोल लो है ना एनजाइम्स ये सब इसलिए नॉन मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो ऑक्सीजन देख लो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो करते हैं अपना इन्हेलेशन वैक्सीलेशन करते हैं ये एयर भी बहुत ज़रूरी है ठीक है ये भी क्या है नॉन मेटल है ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस से हम ब्रीदिंग कर, कर सकते हैं अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस है इनर्ट गैस मतलब जो गैस रिएक्ट नहीं करती ठीक है उस प्रेजेंस इन एयर इस ये भी एयर में प्रेजेंट होती है रिड्यूसेस द रेट ऑफ कम्बशन एंड मेक इट सेफ ये जो रेट ऑफ कम्बन को है मतलब आग आग लगने की या फिर आग पकड़ने की जो स्पीड है उसे कम करती है और इसे सेफ बनाती है सल्फर इज़ प्रेजेंट इन मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं जैसे सल्फर जो है हेयर में होता है अनियन गार्लिक और वूल में भी होता है ठीक है मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल क्या है अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट में टॉप मोस्ट लेर ये फिफ्टी परसेंट फॉर्म करता है अर्थ की क्रस्ट का सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्या है सिलिकन ये ट्वेंटी सिक्स परसेंट और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया ये देखिए ऐसे याद रख सकते हैं ओ एस पी एस फॉर एग्जाम्पल टू नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है एयर के मेन कॉन्सिटुंट्स हैं हमें है ना सेवेंटी एट परसेंट एयर में क्या होता है नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट क्या होता है ऑक्सीजन वन परसेंट अदर गैसेज होती है ना तो ये दोनों क्या है मेन कॉन्सिटूंट्स हैं मतलब जो एयर को फॉर्म करते हैं टू नॉन मेटल्स ऑक्सीजन ये और टू नॉन मेटल्स ऑक्सीजन जिस ले करना मेन कॉन्सिटेंट्स है अर्थ की क्रस्ट की और दो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फॉर्म करते हैं वाटर को तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स हमारे लिए कितने यूजफुल हैं क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है ये भी ओशन में अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल क्लोराइड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होते हैं मेलिएबल होते हैं दैट इज़ मेटल कैन बी बीटन इन इन टू थिन शीट्स हम इन्हें पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं विद हैमर हैमर से ठीक है स्ट्राइक करके देखिए द प्रॉपर्टी विच अलाउस वो प्रॉपर्टी जो मेटल्स को अलाउ करती है जिससे हम उसे हैमर कर सके और उसे थिन शीट्स में ब्रेक कर सके उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं ठीक है गोल्ड एंड सिल्वर मेटल जो हैं सम ऑफ द बेस्ट मेलियेबल मेटल्स हैं बहुत ये दोनों बहुत मेलिएबल होते हैं ना आप आसानी से थिन शीट्स में ब्रेक कर सकते थिन शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं एलोमिनियम और कॉपर कॉपर मेटल्स भी हाईली मेलेबल मेटल्स हैं सिल्वर फॉइल्स आपने देखी होगी वो स्वीट्स मिठाइयों को डेकोरेट करने में भी इस्तेमाल होती हैं तो वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेलेबिलिटी की वजह से एलूमिनियम फॉइल जो होती है वो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए हैं ना और एलुमिनियम शीट्स जो होती है वो भी कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम आती है तो देख सकते हैं आप ये कितने मेलेबल है आयरन भी एक ठीक ठाक मेलेबिलिटी कैरी करता है इससे भी बॉक्सेस बकेट्स ड्रम्स वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं ठीक है थीके? मेटल जो होता है डकटाइल होता है मतलब मेटल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं और इनसे वायर बना सकते हैं ये देखिए अब वायर कौन कौन से मेटल सूटेबल है वायर बनाने के लिए कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और आयरन ये देखिए द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं ठीक है गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है मतलब आप इससे अच्छी वायर बना सकते हैं एक अगर एक ग्राम गोल्ड है तो उससे दो तो किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकती है देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है ठीक है कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और उनसे भी वायर्स बना सकते हैं गोल्ड से हम वायर इसलिए बना सकते क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं होगा बहुत महंगा पड़ जाएगा इसलिए इसलिए हम इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ करते है, Iron, है। हैं कॉपर और एलुमिनियम को आयरन मैग्नीशियम और टंगस्टन मेटल्स भी क्वाइट डक्टाइल होता है टंगस्टन फिलामेंट होता था बल्ब में नॉर्मल पहले बल्ब रहते थे इसलिए ये देखिए फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स हमें पता है गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के अगर आप कोई कुकिंग यूटेंसिल रखेंगे उसके अंदर कोई भी खाने के आइटम रखेंगे उसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है क्यों आपने तो यूटेंसिल्स को गर्म कर रहे ना तो होता क्या है अगर आप एक एंड हीट करते हैं तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है मेटल का क्योंकि मेटल जो होते हैं हीट को अपने से पास होने देते हैं और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी खुद से पास होने देते हैं ठीक दे है मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू दम ईजिली ये देखें ये एग्ज़ाम्पल दिया गया द कंडक्शन ऑफ हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी अगर जो मेटल जो है ख़ुद से हीट को पास करने दे रहा है तो इस प्रोसेस को थर्मल मतलब हीट और कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने पास होने देना तो इस प्रोसेस को थर्मल कंडक्टिविटी भी कहा जाता है ठीक है सिल्वर मेटल जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का इट हैज़ द हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इसमें हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होती है मतलब ये सबसे आसानी से जो है ख़ुद से पास होने देता है हीट को कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के पोअरेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल्स में लेड है मर्किन मेटल भी एक पोअर कंडक्टर है हीट का अब जब मेटल को हीट करते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर दें करेंगे है ना और वाइब्रेट करने लग जाएंगे आपस में ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएंगे दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू इल, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स अभी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है एटम में ये एनर्जी उन्हें ट्रांसफ़र होती है अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के थ्रू मतलब मेटल में ही मूव करते रहते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द मेटल जब ये मेटल के थ्रू मूव करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरे मेटल को बहुत आसान है जैसे ये देखिए अगर आपने ये एंड हीट करा तो यहां पर क्या होंगे एटम्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे वो जब वाइब्रेट करें तो आगे वाले को भी भीट करेंगे और अपनी एनर्जी उन पर ट्रांसफर करेंगे ऐसे ऐसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में एक दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी तो यही हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स या वेसल्स में भी होता है अब बाक़ी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये थ्री प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखना तो थैंक यू